गन्नौर नेशनल हाईवे 44 पर स्थित भिगान टोल प्लाजा पर कार सवार व्यक्ति व महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद जिला प्रशासन टोल पर इस तरह की हरकतों पर लगाम लगाने को लेकर गंभीर है। जिला उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने इसकी जांच के लिए उपमंडल अधिकारी नागरिक डॉक्टर निर्मल नागर के नेतृत्व में 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर 3 दिन में चार्ज रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। जांच कमेटी के इंचार्ज डॉक्टर निर्मल नागर ने बताया कि टोल पर एक महिला व पुरुष के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाने को लेकर गंभीर है। उन्होंने बताया कि जिला उपायुक्त ने उन्हें ACP गन्नौर गोरखपाल राणा को इसकी जांच की जिम्मेवारी दी है। SDM ने बताया कि इस टोल पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने मामले पहले भी आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी गंभीरता से जांच की जा रही, इसमें देखा जाएगा कि पहले टोल पर इस प्रकार की वारदातों के कितने मामले दर्ज हैं, इनमें क्या कार्रवाई की गई। सभी टोल कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाई जाएगी। SDM ने बताया कि जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। बता दें कि गत दिनों सोशल मीडिया पर इस वीडियो में टोल कर्मी महिला व उसके पति पर डंडे भी बरसाते हुए दिख रहे हैं, जबकि महिला व उसका पति भी टोल कर्मियों के साथ झगड़ते नजर आ रहे हैं। इसके बाद मौके पर मौजूद दूसरे लोगों ने बीच बचाव कर झगड़ा शांत करवा दिया था, जिसके बाद टोल प्लाजा के अधिकारियों ने मुरथल थाना में मामले की सूचना दी, लेकिन बाद में किसी भी पक्ष से शिकायत नहीं मिलने पर पुलिस द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसके बाद पुलिस ने वीडियो प्रसारित होने के बाद कार्रवाई करते हुए 7 टोल कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। 9 सितंबर 2023 को एक वाक्या घटित हुआ भिगान टोल पर, जिसमें टोल के कर्मचारी लाठी डंडों के सहित एक औरत के साथ बदतमीजी करते हुए उसके बाल पकड़ते हुए और झुंड बनाकर उस पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक वीडियो वायरल हमें प्राप्त हुई थी और उसी के समक्ष में माननीय DC साहब सोनीपत द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई है, जिसमें SDM गन्नौर की अध्यक्षता में इस पूरे मामले की पूर्ण रूप से सारे तथ्य को देखते हुए, वीडियोग्राफी को देखते हुए, टोल कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए, टोल मैनेजर को बुलाते हुए उनसे इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी भाई ऐसा किन कारणों से हो रहा है। दिन प्रतिदिन चाहे गांव के सरपंच हो, चाहे आम व्यक्ति हो, या बाहर से हमारे जो रोड पर चलने वाले व्हीकल्स में जो भी सवारियाँ हैं आदि हैं, उनके द्वारा कथित तौर पर इतनी शिकायतें आ रही हैं कि टोल कर्मचारी बदतमीजी से पेश आते हैं। इवन कई बार अधिकारियों ने व आम जनता ने भी और जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं उन्होंने टोल के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की है कि जो टोल कर्मचारियों का व्यवहार आम जनता के प्रति है वो बिल्कुल गलत है और एक प्रकार से तानाशाह रवैये टाइप है, जबकि जो आम व्यक्ति वहाँ से गुजरने वाला है वह हमारा टोल के NHI का कस्टमर है। तो इस प्रकार के जो उन द्वारा आपराधिक गतिविधियां की जा रही हैं, इस बारे में सभी टोल कर्मचारियों के डाटा वेरीफाई करवाए जाएंगे पुलिस से। वह जो भी इस समक्ष में इस वीडियो के दौरान वह अन्य जो पहले घटनाएं हुई हैं, वह कितनी इस टोल के खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं, वह उनमें क्या स्टेटस चल रहा है, इस बारे में पूर्ण रूप से जाँच करके रिपोर्ट माननीय उपायुक्त महोदय को सौंपी जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।